भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में बुधवार को खेला जाएगा। इस सीरीज में अब तक गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीते हैं। ऐसे में सीरीज का आखिरी मैच सीरीज डिसाइडर भी होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन मिचेल मार्श ने बनाए हैं। इस सीरीज में उन्होंने ओपनिंग बैटिंग की है और सिर्फ आक्रामक क्रिकेट खेलते दिखे हैं। वह दो मैचों में 147 रन जड़ चुके हैं। पिछले मैच में मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन ठोके थे। मेहमान टीम के बेस्ट गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे हैं। स्टार्क ने भारतीय खिलाड़ियों को खूब परेशान किया है और वह दो मैचों में कुल 8 विकेट ले चुके हैं। भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। राहुल के बैट से दो मैचों में कुल 84 रन निकले हैं। टीम के लिए सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे हैं। उन्होंने 5.9 एक एक की इकोनॉमी से 3 विकेट लिए हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। वहीं पिच की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। इस मैदान पर अब तक कुल 31 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 15 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं 15 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। यहां पहली इनिंग का औसत स्कोर 230 रन रह चुका है।